मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज नाड़ी दोष के बारे में चर्चा होगी। नाड़ी दोष क्या है, कुंडली में यह दोष कैसे बनता है। सामान्य तौर पर तो आजकल देखा जाए तो हर व्यक्ति इस विषय को जानता है, ऐसा उसका मानना है। लेकिन वास्तव में कोई इसके बारे में विस्तृत स्थिति को नहीं जानता है। बहुत से लोग तो अपने बच्चों के मिलान के लिए कंप्यूटर या मोबाइल पर ही नाड़ी दोष को देखकर मिलान को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नाड़ी दोष है और नाड़ी के जीरो अंक आ गए तो अब मिलान करना ही नहीं, क्योंकि नाड़ी दोष हो गया, और अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा देते हैं। बहुत से ऐसे पंडित भी हैं जो नाड़ी दोष देखते ही अपने यजमान को मना कर देते हैं कि यह मिलान आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि नाड़ी दोष है। लेकिन नाड़ी दोष में बहुत सी बातें देखनी पड़ती है, और जब तक ये बातें आपके ध्यान में नहीं आएगी तब तक आप ऐसे ही अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा देंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि नाड़ी होती क्या है। नाड़ी का सीधा अर्थ हमारे नाड़ी तंत्र से है, नसों से है, या पल्स, अंग्रेजी में पल्स बोलते हैं नाड़ी विज्ञान। ऐसा ज्योतिष में भी एक विषय जोड़ दिया, नाड़ी दोष। तो जब मिलान करते हैं तो नाड़ी को विशेष देखते हैं। 8 प्रकार के कूट मिलान में देखते हैं, जिसमें वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भ्रकुट और नाड़ी। तो ये 8 प्रकार के कूट विशेष देखते हैं। इसमें नाड़ी के 8 गुण हैं। अगर मिलान में 8 गुण नाड़ी के नहीं मिलते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ी कमी होती है। नाड़ियों के 3 नाम हैं, आदि, मध्य और अंत्य। चूंकि यह एक शारीरिक समस्या के लिए देखा जाने वाला योग है या दोष है। आद्य का मतलब वात रोग, पित्त का मध्य नाड़ी और कफ की अंत्य नाड़ी। तो वात, पित्त और कफ, इसके लिए 3 नाड़ियां हैं, आदि, मध्य और अंत्य। आदि को आद्य नाड़ी भी बोलते हैं। तो 3 प्रकार की नाड़ियां हैं। अब इसको कैसे समझेंगे कि किस व्यक्ति की कौन सी नाड़ी है और कैसे दोष लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर आपको 27 नक्षत्र दिख रहे होंगे, सभी की नाड़ियां लिखी हुई है, किस नक्षत्र की कौन सी नाड़ी होती है। जैसे अश्विनी नक्षत्र की आदि नाड़ी होती है, तो इस प्रकार से आप नाड़ी देख सकते हैं। तो 27 नक्षत्र अगर आपको याद हैं तब तो आप आसानी से देख सकते हैं बिना इस चार्ट के भी। लेकिन इस चार्ट को आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति की कौन सी नाड़ी है, आपकी कौन सी नाड़ी है, आदि नाड़ी है, मध्य नाड़ी है या अंत्य नाड़ी है। मित्रों, जब मिलान करते हैं, लड़का लड़की दोनों की कुंडली सामने रखते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि लड़के की क्या नाड़ी है और लड़की की क्या नाड़ी है। दोनों की एक ही नाड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे दोनों की आदि नाड़ी हो तो मिलान अशुभ हो जाता है, दोनों की मध्य नाड़ी हो तब भी मिलान अशुभ हो जाता है, और दोनों की अंत्य नाड़ी हो तब भी मिलान अशुभ हो जाता है। लेकिन यदि लड़के की आदि नाड़ी है और लड़की की मध्य है, या दोनों की अलग अलग नाड़ियां हैं, तो मिलान शुभ हो जाता है। तो यहां इस बात को भी समझना आवश्यक है। यदि उंगली पे गिने तो 3 पोर हैं, आदि, मध्य और अंत्य। इन 3 पोर पर, 3 खंडों पर आप यहां पर आदि लिख देवें या मध्य लिख देवें या अंत्य लिख देवें। उसके बाद आप नक्षत्रों को गिनना शुरू करें, अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो अश्विनी की आदि हो गई, भरणी की मध्य हो गई, कृतिका की अंत्य हो गई। फिर रोहिणी, यहां से शुरू करना नीचे से, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा। फिर वापस पुनर्वसु यहीं से शुरू करना, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो इस प्रकार से भी उंगली के इन पोरों से आप नक्षत्र याद हैं तो आप नाड़ी का पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति का क्या नक्षत्र है,
कुंडली में उस नक्षत्र को देख लेवे, आपकी चंद्र की जो राशि है, चंद्रमा जिस राशि पर बैठा हुआ है उसी के आधार पर नक्षत्र देखा जाता है। आपका जन्म नक्षत्र जो है, आपका बोलता नाम कुछ अन्य भी हो सकता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में आपका जन्म है उसी नक्षत्र के आधार पर नाड़ी को देखा जाता है। तो आपका जन्म नक्षत्र अगर मान लीजिए कोई भी है, जैसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है आपका, तो आपकी आदि नाड़ी होगी, हस्त होगा तब भी आदि होगी, चित्रा होगा तो मध्य होगी, तो इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको नाड़ी का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अब विशेष बात क्या है इसको समझें, 8 ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें यदि व्यक्ति जन्म ले लेवे तो ऐसे व्यक्ति को नाड़ी दोष देखना ही नहीं चाहिए। चाहे लड़की का कोई भी नक्षत्र हो, किसी लड़के का जन्म इन 8 नक्षत्रों में यदि हो गया है तो नाड़ी दोष देखना ही नहीं है। अब वो कौन कौन से नक्षत्र हैं, 8 नक्षत्र ऐसे कौन से हैं, तो सबसे पहला नक्षत्र है रोहिणी, फिर मृगशीर, फिर आर्द्रा, फिर पुष्य, तो 4 नक्षत्र ये हो गए, फिर विशाखा, श्रवण, उत्तराभाद्रपद और रेवती, 4 नक्षत्र ये हो गए। तो इन 4 नक्षत्रों में यदि लड़का हो या लड़की हो जन्म ले लेवे तो उनके मिलान में नाड़ी दोष नहीं देखते हैं। दोनों का आवश्यक नहीं है, लड़की लड़के का मिलान कर रहे हैं, लड़की का कोई भी अन्य नक्षत्र है लेकिन लड़के का इन 8 नक्षत्रों में आ गया तो नाड़ी दोष नहीं देखना। और यदि लड़की के भी इन 8 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र है जन्म का और लड़के का कोई भी नक्षत्र है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देवे। अब यहां पर हमारे शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण बात और लिखी है कि नाड़ी दोषो ही विप्राणाम, ब्राह्मणों को ही नाड़ी दोष लगता है। अब इस बात पर थोड़ी हंसी भी आती है, ब्राह्मण किसको माने, विप्र यानी ब्राह्मण, विप्र को ही नाड़ी दोष लगता है, तो आपकी जाति क्या है, इससे लोग आकलन करते हैं। बहुत से लोग जैन हैं तो वे कहेंगे हम तो ब्राह्मण नहीं है, हमें तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा, लेकिन यह सबसे बड़ी हम गलती कर देते हैं। पंडितों को भी पता नहीं है कि ब्राह्मण को नाड़ी दोष नहीं देखना है, बल्कि आपकी राशि वास्तव में विप्र वर्ण या ब्राह्मण वर्ण की है या नहीं। तो मित्रों इस बात पर विशेष ध्यान देवें, जाति से ब्राह्मण हो न हो नाड़ी दोष तो लगेगा, लेकिन यदि आपकी राशि ब्राह्मण वर्ण की है तभी इसको देखना पड़ेगा। जाति से कोई अभिप्राय नहीं, जाति कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपकी कुंडली में आपकी राशि यदि ब्राह्मण वर्ण की है, अब ब्राह्मण वर्ण की राशियां कौन कौन सी होती है इस विषय पर चर्चा करूंगा। कर्क राशि 4 नंबर राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि 8 नंबर राशि और 12 नंबर मीन राशि। आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि 4, 8 या 12 अंक पर कहीं पर भी इन 3 अंकों में किसी भी अंक पर पड़ा हुआ है तो आप ब्राह्मण राशि के हुए, आपकी राशि ब्राह्मण हुई, चाहे आपकी जाति कुछ भी हो लेकिन आपकी राशि वर्ण ब्राह्मण हुआ। तो कर्क वृश्चिक मीन में ब्राह्मण वर्ण होता है, इन्हीं राशियों में नाड़ी दोष विशेष देखना चाहिए, अन्य राशियों में नाड़ी दोष की विशेष मान्यता नहीं है, चाहे तो शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। कर्क वृश्चिक मीन राशि में भी मैंने आपको बताया पुष्य नक्षत्र हो कर्क राशि में तो नाड़ी दोष लगता ही नहीं है, वृश्चिक राशि में भी विशाखा नक्षत्र हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है, और मीन राशि में 2 नक्षत्र ऐसे हैं उत्तराभाद्रपद और रेवती, यदि मीन राशि में उत्तराभाद्रपद रेवती नक्षत्र है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगता, तो फिर नाड़ी दोष रहा ही कहां, व्यर्थ इस पचड़े में ना पड़कर, क्योंकि गुण देखने से कुछ नहीं होता, बहुत सी बार गुण बहुत अधिक मिलने के बाद भी तलाक हो जाते हैं, उसका कारण क्या है कि आप कुंडली में ग्रहों का आकलन सही तरह से नहीं कर पाते और इसी के कारण तलाक हो जाते हैं। तो केवल और केवल नाड़ी देखने से काम नहीं चलेगा, और नाड़ी के इन सिद्धांतों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब महत्वपूर्ण सिद्धांत और बता रहा हूं, उसको भी आप ध्यान रख लेवें। कुछ ऐसे नियम है कि आप अन्य राशियों में भी यदि नाड़ी दोष मानते हैं तो कुछ नियम ऐसे भी हैं जिसे आप अवश्य देख लेवें। मान लीजिए किसी का, किसी लड़के का या लड़की का एक ही नक्षत्र हो, एक ही नक्षत्र हो,
तो नाड़ी दोष तो लगेगा ही क्योंकि दोनों की एक ही नाड़ी हुई, लेकिन आपको वहां देखना पड़ेगा कि चार चरण होते हैं एक नक्षत्र के, एक दो तीन और चार चरण। मान लीजिए लड़की का दूसरे चरण में जन्म हुआ उसी नक्षत्र में, मान लीजिए आश्लेषा नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में लड़की का जन्म हुआ और लड़के का प्रथम चरण में हुआ, तो यहां नाड़ी दोष नहीं लगेगा। एक नक्षत्र होते हुए भी अलग अलग चरण होते हैं तो नाड़ी दोष नहीं लगता है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और विशेषकर दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ दोष लगेगा, पहले का चौथे के साथ दोष लगेगा। लड़के का पहला चरण है नक्षत्र का और लड़की का चौथा है तो दोष 100% लगेगा। लड़की का दूसरा है, लड़के का तीसरा है, तब भी दोष लगेगा। लेकिन यदि लड़की का तीसरा है, लड़के का पहला है, या लड़की का तीसरा है, लड़के का चौथा है, तो दोष नहीं लगेगा। इसे बोलते हैं पदावेद, इसको भी आपको समझना होगा, सीखना पड़ेगा। पदावेद के बारे में लिखा हुआ है कि नक्षत्र एक ही हो तब भी नाड़ी दोष नहीं लगता है, क्योंकि चरण अलग हो जाता है, लेकिन पहले का चौथे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ दोष लगेगा, पक्का लगेगा। दूसरी बात, लड़के और लड़की की राशि तो एक ही है, एक ही राशि है, लेकिन यदि उनके नक्षत्र अलग अलग हैं, एक राशि में तीन नक्षत्र होते हैं, तो यदि राशि एक ही है और नक्षत्र अलग अलग हैं, दोनों की नाड़ियां एक ही है, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि राशि एक ही है और नक्षत्र अलग अलग है। दोनों की राशियां अलग अलग हैं, अलग अलग राशियां दोनों की, लेकिन नक्षत्र एक ही है, ऐसा भी होता है बहुत सी बार। एक नक्षत्र दो राशियों में आता है, जैसे कृतिका नक्षत्र मेष में भी आता है और वृषभ में भी आता है, तो ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। अगर कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है किसी व्यक्ति का, लेकिन राशियां तो अलग अलग हैं, एक की वृषभ है, एक की मेष है, तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो राशियां अलग अलग हो, नक्षत्र एक ही हो, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगता। नक्षत्र एक हो, राशियां अलग अलग हो, तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। और राशि एक हो, नक्षत्र अलग अलग हो, राशि एक हो, नक्षत्र अलग अलग हो, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगता। और पदावेद, पहले का चौथे के साथ दोष लगेगा, लेकिन पहले का दूसरे के साथ या तीसरे के साथ दोष नहीं लगेगा, तो इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। तो नाड़ी दोष कोई साधारण विषय नहीं है, इस पर मंथन करें, विचार करें, पुस्तकों को ध्यान से पढ़ें। बहुत सी बार तो यहाँ पर हमें ध्यान ही नहीं होता और हम उल्टे सीधे निर्णय ले लेते हैं, केवल नाड़ी पर ही ध्यान लगाते हैं, कुंडली में दूसरे दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, उसके कारण भी मिलान गड़बड़ हो जाता है। तो आप विशेष ध्यान देवें, और विशेषकर कर्क वृश्चिक मीन राशि पर ही नाड़ी दोष विशेष देखा जाता है, अन्य राशियों में नाड़ी दोष नहीं देखा जाता। और बहुत सी बार यदि आप देख लेवें कि राशि मैत्री है, तब भी नाड़ी दोष को विशेष मान्यता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से तो आप अच्छे अच्छे मिलान छोड़ देंगे और फिर आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं शुरू हो जाएगी। तो मिलान देखते समय केवल नाड़ी के आगे जीरो का अंक लिखा है, 8 में से 0 का अंक मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह दोष 100% हो गया। उसका निर्धारण करना पड़ता है कि वास्तव में वह नक्षत्र कौन सा है, उसमें चरण कौन सा है। तो यहाँ पर आप मंथन करें, विचार करें और उसके बाद में नाड़ी दोष पर निर्णय लेवें। बिना सोचे विचारें घर पे बैठे अपने दिमाग से विचार ना करें, नाड़ी दोष ऐसे ही नहीं लगता है, बहुत सी बातें उसमें देखनी पड़ती हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।